ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिडटर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT501 के मिडटर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये कि दी मेंटल प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस है टू इंटरप्रेट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इंटरप्रेट करने के लिए एज पर वंस ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस नॉलेज वो जाना जाता है किसके तौर पर, परसेप्शन के तौर पर। उसके बाद ये कि मिस्टर अहमद वाज वर्किंग एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, मिस्टर अहमद जो वर्क कर रहे थे एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर बट ही वाज अनेबल टू वर्क इन एम एस एक्सेल, लेकिन वो अनेबल थे वर्क करने के लिए एम एस एक्सेल के अंदर विद द रिक्वायर्ड स्पीड, जो रिक्वायर्ड स्पीड थी उसके साथ। ड्यू टू दिस रीजन मैनेजमेंट हैज फोर्सफुली रिटायर्ड हिम एंड अपॉइंटेड अ न्यू पर्सन टू रिप्लेस हिम। इस वजह से मैनेजमेंट ने उनको फोर्सफुली रिटायर करवाया और नया पर्सन रख लिया उनकी जगह पे। द कंपनी इज सेट टू बी इंडल्ज इन, अब कंपनी को कहा जाएगा कि इंडल्ज हुई है इनमें से किसके अंदर, राइट साइजिंग के अंदर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एट्रीब्यूट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन उसको कंसिडर किया जाता है नेगेटिव एट्रीब्यूट के तौर पर ग्लोबलाइजेशन के, फॉर एम्प्लॉयज इन दी डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री के अंदर वो है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। उसके बाद ये कि HRIS हेल्प्स मैनेजर, HRIS हेल्प करता है मैनेजर को टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, के परफॉर्म करें जो फंक्शन दिए गए हैं उनको मोर इफेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली, वो है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। उसके बाद ये कि टेक्निकली HRIS इज अ डैश, टेक्निकली तौर पर HRIS क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये कि HRIS इज यूज टू फैसिलिटेट डिसीजन रिलेटेड टू, HRIS जो है वो यूज़ किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए डिसीजन जो कि रिलेट करते हैं किसको, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है मेथड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो है जॉब पोस्टिंग। उसके बाद ये कंट्रोलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट, यानी तमाम चीज़ें शामिल है एक को छोड़ के कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, वो है एम्प्लॉयज मोटिवेशन। उसके बाद ये कंट्रोलिंग इज मैंडेटरी टू, कंट्रोलिंग जो है वो मैंडेटरी है इनमें से किन के लिए, सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद ये अनऑफिशियल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज नॉन एज, जो अनऑफिशियल पार्ट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे, वो है कौन सा, मतलब इनके किस नाम से जाना जाता है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगराइज एज द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, इनमें से किसको जो है वो कैटेगराइज किया जाता है अथॉरिटी के तौर पर कि ऑर्डर दिया जाए सबऑर्डिनेट को, वो है लाइन। उसके बाद ये हाउ ऑफन HR प्लानिंग प्रोसेस इज इंप्लीमेंटेड, कितना ज्यादा जो HR प्लानिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है कंटिन्यूसली। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट बाय टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर को ज्यादातर कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो है कंसेप्चुअल स्किल्स। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड गिविंग मोर फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ड्यूरिंग, ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टार्ट किया ज्यादा फोकस देना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में किस दौरान, 1992-2000। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस मेक एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू मेक डिसीजन, इनमें से कौन सी फोर्स जो वो बनाती है इंडिविजुअल को एलिजिबल कि वो ले डिसीजन, गिव ऑर्डर, ऑर्डर दे, डायरेक्टिंग वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर, वो है अथॉरिटी। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड, इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट नहीं होती, थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए वाइल कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, वो है हु इज मॉनिटरिंग द टास्क। उसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल डायरेक्टेड समरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गोल डायरेक्टेड समरी है ऑफ अ पर्सन एक्सपीरियंस, एक पर्सन एक्सपीरियंस की एजुकेशन ट्रेनिंग डेवलप फॉर यूज इन द सिलेक्शन प्रोसेस, वो है करिकुलम विटा है। उसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी कैन बेस्ट इवेल्यूएट द रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर इवेल्यूएट कर सकता है रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ जॉब, जॉब की डेट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ, वो है साइकोमीटर एबिलिटीज टेस्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म जो है यूज टू आइडेंटिफाई, यूज की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, व्हाट डज द, व्हाट द जॉब होल्डर डज, कि क्या जॉब होल्डर करता है, हाउ इट इज डन, कैसे होता है, एंड व्हाई इट इज डन, और क्यों होता है, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी जो है वो एक ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टास्क या एक्टिविटीज का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद ये कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन एक स्टेटमेंट है डेट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद ये कि पार्ट टाइम वर्कर्स, टेम्परेरीज एंड डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल फॉल अंडर विच ऑफ द गिवन कैटेगरीज, ये तमाम जितने भी आपको नाम दिए गए हैं, यानी कि एक तरह से ये जो वर्कर दिए गए हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कंटिंजेंट वर्कर्स की कैटेगरी में। उसके बाद ये कि कंसेप्चुअल स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय मोस्टली बाय, कंसेप्चुअल स्किल्स ज़्यादातौर पर रिक्वायर्ड होते हैं किनको, टॉप लेवल मैनेजर्स को। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ मेकिंग टीम, इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट नहीं है टीम बनाने का, वो है एवरी मेंबर इज म्यूचुअली अकाउंटेबल विद इन अ टीम। उसके बाद ये कि डैश इज एन एट्रीब्यूट ऑफ वर्क टीम,
इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एट्रीब्यूट है वर्क टीम का, विच रिजल्ट्स इन अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि रिजल्ट होता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में डेट इज ग्रेटर देन सम ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट, यानी कि सम जो है वो इंडिविजुअल इनपुट से ज्यादा होगा, एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक तीन या चार होंगे। सो ये सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये है कि एचआर मैनेजर्स आर जनरली कंसिडर्ड एज, एचआर मैनेजर को जनरली तौर पर कंसिडर किया जाता है क्या, एज स्टाफ मैनेजर। उसके बाद ये कि करियर काउंसलिंग इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एचआरएम, करियर काउंसलिंग जो है वो पार्ट है इनमें से कौन से फंक्शन का एचआरएम की, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, वो है डिस्कवरिंग पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ डिग्री, इनमें से किससे मुराद जो है वो मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ डिग्री है, टू विच दी परस्पेक्टिव एम्प्लॉय विल फिट इन विद इन विद दी फर्म्स कल्चर और वैल्यू सिस्टम, वो है ऑर्गेनाइजेशनल फिट। उसके बाद ये कि एचआरएम इज सेट टू बी इफेक्टिव व्हेन डैश इज अचीव, एचआरएम को इफेक्टिव कहा जाएगा जब डैश अचीव होता है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।